नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए कुछ नई जानकारी और नई अपडेट लेकर आया हूं। जितने भी स्टूडेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं और उन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दिया था और अब जो है उनको पता लगा है कि हमारे जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें कोई गलती है या कोई एडिट करना चीज़ रह गई है या फिर कोई अपडेट करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, तो आप उसको किस प्रकार से करेंगे, उसके क्या रूल रहेंगे, उसकी कितनी फ़ीस लगेगी, क्या क्या आप चीज़ एडिट कर सकते हैं और किस किस चीज़ को आप एडिट नहीं कर सकते, वो सभी बातें यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ने अपना एडमिशन फॉर्म जो है अप्लाई कर दिया था लेकिन काफ़ी स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आया था। तो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि रिजल्ट का अपडेट कब कर सकते हैं, तो अब आप उस रिजल्ट को अपडेट कर सकते हैं जो आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका है। मैं आपको पूरी बातें बता देता हूं। यहां पे देख लीजिए, जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें बताया गया है कि आपको कोई भी चीज, कोई भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपडेट करना है या फिर कोई एडिट करना है तो उसके लिए आपको 200 रुपये चार्ज लगेंगे। ठीक है, 200 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा। जितनी बार भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म एडिट करोगे उसके लिए आपको 200 रुपये चार्ज लगेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि जो स्टूडेंट है वो अपना नाम, ठीक है, अपनी माता का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आधार नंबर, इनको चेंज नहीं कर सकता। बाकी इनको छोड़कर आप कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि आप जो है अपनी कैटेगरी को भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, कैटेगरी है जो भी आपकी, ठीक है, उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी जो सब कैटेगरी है जैसे एससी से डीएससी कर सकते हो, बीसीए से बीसीबी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपकी जो कैटेगरी है उसको चेंज नहीं कर सकते। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो भी आप चेंज करोगे, ठीक है, उसकी एक पीडीएफ फाइल बना के आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बताया है कि जो भी स्टूडेंट, सिर्फ उन्हीं को अनुमति दी जाएगी एडिट करने की जो जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म अभी भर रहे हैं या जिन्होंने भर दिया है, ठीक है, उनको अभी अनुमति दी जाएगी। और उसके बाद जिन्होंने अपना फाइनल ईयर का अपडेट नहीं किया था रिजल्ट, वो अपना रिजल्ट अपडेट करके उसकी जो मूल डीएमसी है यानी कि ओरिजिनल डीएमसी होगी जो आपकी, उसकी कॉपी स्कैन करके पीडीएफ बना के आपको वो सबमिट करनी है, वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी चीज़ एडिट करनी है तो इसको स्वीकार करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको ये सभी बातें यहाँ पे मेंशन करनी है, आपका नाम, आवेदन संख्या, आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये जितनी बातें हैं यहाँ पे लिख के जो भी डेट, जो भी आपने अपडेट करना है वो यहाँ पे उसकी फ़ाइल अपडेट करनी, अपलोड करनी पड़ेगी और 200 रुपये का यहाँ पे चार्ज लगेगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसको चेंज कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन लॉगिन आईडी करके भी वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपका एडिट का ऑप्शन आ चुका होगा तो वहाँ पे भी आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के मन में डाउट था कि हमारा जो एडिट है वो कब होगा, एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कब होगा, तो आप कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।